नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत एक विविधताओं का देश है, अलग अलग मान्यताओं का देश है। आज से हजारों लाखों साल पहले हमारे वेदों पुराणों में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिस पे आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक खोज करते हैं, जिन पे शोध करते हैं। तो ये कहना कि आज के हजारों लाखों साल पहले आज के आधुनिक विज्ञान से भी हम काफ़ी आगे थे, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे वेदों पुराणों में हर क्रिया का, हर कार्य का एक नियम लिखा होता है कि हमें ये काम कैसे करना है। जैसे हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कब पहनने चाहिए, हमें खाना क्या खाना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए, हर चीज़ का। इसी कड़ी में आता है वस्तुशास्त्र कि हमें घर कैसा बनाना चाहिए, हमें घर बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये सिर्फ मान्यता नहीं होती, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी होता है, जैसे हम आगे आपको बताएंगे। तो घर बनाते समय वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किस दिशा में हमें क्या चीज़ रखनी चाहिए, किस कोण में हमें क्या चीज़ रखनी चाहिए। जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे सूर्य कोण में यानी पूरब और दक्षिण के कोण में किचन रखते हैं, तो ये सिर्फ मान्यता नहीं है, इसका एक वैज्ञानिक कारण होता है। जैसे कि सूर्य की किरण पूरब से निकलती है और वो पश्चिम में सूर्य का अस्त हो जाता है, तो क्या होता है कि सूर्य जो है वो 85% दिन में पूरब से और दक्षिण के दिशा में ही रहता है 85% समय। तो इससे क्या होता है, किचन पूरब और दक्षिण में देने से सूर्य की किरणें ज़्यादातर हमारे किचन पे पड़ती हैं, जिससे उसमें जो वायरस होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और हमें जो है हमारा जो खाना है वो शुद्ध हो जाता है और हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो ऐसे वास्तुशास्त्र में जो है हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तुशास्त्र, घर बनाते समय हमें वास्तुशास्त्र का कैसे ध्यान रखना होगा, किस दिशा में क्या चीज़ होनी चाहिए, और वास्तुशास्त्र का अगर आप सही से ख्याल रखेंगे, अपने घर में इसको सही से उपयोग करेंगे, तो ये आपके लिए ही लाभकारी होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने प्लॉट को 9 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे, और जो बीच वाला हिस्सा है उसमें हम खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन से डायरेक्शन में क्या चीज़ आती है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है उसमें हम टॉयलेट दे सकते हैं, बोरिंग दे सकते हैं, टेम्पल दे सकते हैं, गेस्ट रूम दे सकते हैं और लिविंग रूम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग, टेम्पल, लिविंग रूम। नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे अच्छा होता है लिविंग रूम, तो नॉर्थ ईस्ट में हम ये तीनों चीज़ें दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट में। ईस्ट में हम किचन दे सकते हैं, बोरिंग दे सकते हैं, टेम्पल दे सकते हैं, किड्स रूम दे सकते हैं, गेस्ट रूम दे सकते हैं और लिविंग रूम दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हम ईस्ट में दे सकते हैं। अब साउथ ईस्ट में आते हैं। साउथ ईस्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है किचन। मैं तो कहता हूँ किचन साउथ ईस्ट में ही देना चाहिए। स्टेयर केस आप साउथ में दें, पर किचन जो है आप साउथ ईस्ट में दें। उसके बाद स्टेयर केस दे सकते हैं, टॉयलेट और टेम्पल और रूम्स भी दे सकते हैं। तो साउथ में स्टेयर केस दें, किचन दें, टॉयलेट, टैंक, मास्टर रूम और किड्स रूम, इसमें से कुछ भी साउथ में दे सकते हैं, पर मैं कहूँगा स्टेयर केस दें। साउथ वेस्ट में आप स्टेयर केस दे सकते हैं, टैंक दे सकते हैं, मास्टर रूम और किड्स रूम दे सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में मतलब पश्चिम की दिशा में आप स्टेयर केस दे सकते हैं, टॉयलेट, टेम्पल, टैंक और रूम्स। रूम्स मास्टर रूम्स वेस्ट डायरेक्शन में सबसे अच्छा होता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में आप स्टेयर केस दे सकते हैं, टॉयलेट दे सकते हैं, टेम्पल दे सकते हैं, रूम दे सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में हमें टॉयलेट देना चाहिए। टॉयलेट के लिए सबसे अच्छी जगह होती है नॉर्थ वेस्ट। तो ये था हमारा वास्तुशास्त्र के हिसाब से कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में सही होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।